नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 8th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले भी हमने स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स 8, 9 एंड 10th क्लास की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में शेयर किए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या? सो इन मराठी वी कॉल्ड इट एज अ त्रिकोणमिती। सो दिस ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो व्हेन वी हैव टू अप्लाई दिस, वी कांट अप्लाई टू अदर ट्रायंगल्स, इट्स ओनली अप्लाइड टू द राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी कैन सी दिस फिगर। So this is the tower and here we can see angle formed with earth is 90 degree. So here we can apply the Pythagoras trigonometry or Pythagoras theorem. So here we can see, so this is the base we can call it as a B and this is a height. Okay. And this is the hypotenuse, or we can say diagonal. And if we know these two sides, then we can find out the third side using Pythagoras. But if we know only one side, then also we can find the other sides using trigonometry. तो कैसे ढूंढते हैं हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो यहाँ भी एक दूसरी डायग्राम है। यहाँ पे एक टेम्पल है और यहाँ पे एक घर है, मकान, और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। देन हाइट ऑफ अ हॉट बलून ए एंड बी, फॉर दिस ऑल्सो वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। सो पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो इन ट्रिग्नोमेट्री इट फॉर्म्स यूजिंग थ्री वर्ड्स। ट्राई मींस थ्री, गॉन मींस साइड्स, एंड मेट्रोन मींस मेजर। सो वी कैन मेजर ट्रायंगल्स थ्री साइड्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो देयर इज अ रिलेशनशिप। सो हियर फर्स्ट we will see trigonometric ratios and then we will see trigonometric identities. So let's start. So this is a triangle ABC. So in that, AB is the base and CB is the height and this is the hypotenuse AC. And here we can see angle ABC is 90 degree. So we can apply trigonometry here. So here we will see which are the trigonometric ratios we can find out. So first is the sine of an angle, sine angle. So for example, here we have to find the sine of angle. So angle is A. तो वो कैसा ढूंढते हैं कि opposite side to that angle, which is the opposite side. So opposite side is BC and divided by the hypotenuse. Hypotenuse our AC. So getting all of you, sine ratio हमने ढूंढ लिया, तो वो होता है वो angle का opposite side. So numerator आ गया हमारा BC. And
divided by the hypotenuse means diagonal, that is AC. So ये पहला रेशियो हो गया. सेकेंड रेशियो कोसाइन ऑफ एंगल ए. सो कोसाइन का रेशियो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. अभी ए के दो साइड एडजेसेंट है, या कि ए सी भी है और ए बी भी है, बट ए सी तो हाइपोटेनस है. सो एडजेसेंट साइड टू ए इज अवर बेस, दैट इज ए बी. सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड हमने ए बी लिया है एंड देन हाइपोटेनस इज अवर ए सी. दिस इज टिल्ट साइड. तो यहाँ पे दो रेशियोज कवर हो गए. तो पहला है साइन और दूसरा है कोसाइन. अभी तीसरा रेशियो है टेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल ए. सो टेंजेंट ढूंढने के लिए फॉर्मूला है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. अभी अपोजिट साइड कौन सा है? सामने वाला जो साइन में लिया हमने, वो वाला है हमारी हाइट, दैट इज बी सी. और एडजेसेंट अभी कोसाइन में हमने लिया जो बेस है हमारा, वो है ए बी. तो ये तीन रेशियो हो गए साइन कॉस और टैन. शॉर्ट में उनको साइन कॉस और टैन बोलते हैं. देन बाकी तीन रेशियो तो आपको पहले तीन आ गए तो वो इजी है. तो नेक्स्ट फोर्थ वाला है कोसिकेंट, और वी कैन कॉल इट एज अ कोसेक इन शॉर्ट. तो क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वन डिवाइडेड बाय साइन का वो रेशियो होता है कोसेक. सो क्या होगा, अपोजिट मतलब साइन से अपोजिट, साइन में ऊपर था अपोजिट साइड और नीचे था हाइपोटेनस. यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा हाइपोटेनियस और नीचे आएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए. तो हाइपोटेनस हमारा ए सी है, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. ऐसे ड्रॉ करता हूँ, नीचे है हमारा बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है. तो अपोजिट साइड ऑफ ए इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. देन फिफ्थ रेशियो इज सीकेंट. Secant ratio, that is sec, which is reciprocal of cosine, that is second ratio. So cosine क्या होता है, adjacent side divided by hypotenuse. But यहाँ पे उल्टा होगा, hypotenuse upon adjacent side. So hypotenuse है हमारा AC and adjacent side AK हमारा base AB. Then लास्ट रेशियो दैट इज कोटेंजेंट ऑफ दैट एंगल. तो वो होता है टेंजेंट के रेसिप्रोकल, वन अपॉन टेंजेंट. तो टेंजेंट होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा, एडजेसेंट साइड एंड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. सो एडजेसेंट साइड आएगा ए बी बेस वाला एंड अपोजिट साइड उसके सामने वाला आएगा बी सी. आई होप ऑल सिक्स रेशियोज आर अंडरस्टूड बाय यू. यस, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो हमको साइन कॉस और टैन पता चल जाए तो हम कोटेंजेंट सिकेंट एंड कोसेक निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है साइन कोसाइन टेंजेंट के. सो इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आपको फिर भी कुछ डाउट है तो हम और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है. सो दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी. और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ये 3k है और उसकी हाइट है k. ओके,
then we can find out the साइन कॉस एंड टैन रेशियो. सो ये एंगल ए है, अब ये आप बता सकते हो साइन रेशियो क्या आएगा इसका. यस, सो साइन रेशियो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड है के एंड हाइपोटेनस है 3k, सो वी कैन कैंसिल k, k वन जा k, k वन जा k, सो साइन a क्या आएगा 1/3. गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द रेशियोस. अभी कॉस निकालना है एंगल a का, बट यहाँ का बेस पता नहीं है, ए बी व्हाट इज द मेजर. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसका बेस निकाल सकते हैं. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, बी सी है हमारा के और ए सी है 3k, सो इसका स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर हो गया 8k स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2, और तो 2 बाहर आएगा 2√2 और k ब्रैकेट स्क्वायर. अभी हमें सिर्फ ए बी चाहिए, तो अंडर रूट ले लिया तो प्लस माइनस 2√2k, बट साइड तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, सो 2√2k ये आएगा. गेटिंग? नेक्स्ट, अभी हमें कॉस निकालना है, तो कॉस तो पता है ये आपको, एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी जो पास की है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. अभी हमने ए बी तो निकाल लिया, अभी पाइथागोरस से 2√2k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 3k. अभी ये के के चला जाएगा और हमारा रेशियो आ गया 2√2 / 3. भी यहाँ पे हम कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, तो दिस इज द फाइनल आंसर. सो ऐसे ही साइन कॉस जैसे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं. अभी देखो एक एग्जांपल दिया है उन्होंने सॉल्व करके, टैन ऑफ ए इज 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए. ओके, तो टैन ए दिया है, एंगल ए है, और टैन रेशियो क्या होता है? सो टैन रेशियो होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड. सो दिया है 4/3, सो ये आ गया 4k और ये आ गया 3k. ओके, नेक्स्ट अभी अदर रेशियोज निकालने हैं, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और तीसरी साइड निकालेंगे. सो तीसरी साइड है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें टेन के रेशियो से मिली है, 4k एंड 3k, सो दैट इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, a का k स्क्वायर 3 का 9, a का k स्क्वायर, तो ये आ गया 25. बट हमें सिर्फ ए सी चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 5k, बट हम प्लस ही लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. अभी साइन निकालना है, साइन का रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी, सो ये आ गया 4k डिवाइडेड बाय 5k, सो k चला गया और साइन रेशियो है 4/5. गेटिंग? नेक्स्ट कॉस ए. सो कॉस ए क्या होता है? तो कॉस माने एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड टू एंगल ए इज आवर बेस इज ए बी. तो ए बी है हमारा 3k,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ए सी ओ है 5 की, सो के के चला गया और ओ हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5। सो वैसे ही हम दूसरे 3 निकाल सकते हैं। कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टैन, सो टैन मिल गया हमें, ऊपर ही दिया है उन्होंने 4 डिवाइड बाय 3, उसका उल्टा 3 डिवाइड बाय 4। कोसेक क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय साइन, साइन क्या है? 4 डिवाइड बाय 5, सो हो गया 5 डिवाइड बाय 4। सेक, सेक होता है अपोजिट टू कॉस, सो कॉस हमें मिला है 3 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका उल्टा 5 डिवाइडेड बाय 3। गेटिंग? सो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। मुझे आशा है आपको सब समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डेमो, थैंक यू वेरी मच। इन पुणे वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन कोर्सेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो वी आर गिविंग अवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच। Stay tuned. Bye.